हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशिद शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे जेमिनी मैन के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया एंग ली ने, वही इसमें नजर आते विल स्मिथ, मैरी एलिजाबेथ, बेनेडिक्ट वॉन्ग और क्लिफ ओवेन। मूवी स्टार्ट होती है विल स्मिथ से, जिनके कैरेक्टर का नाम है हेनरी। वो है एक बहुत जबरदस्त स्नाइपर है। स्नाइपर मतलब वही जो पबजी में था, बहुत स्नाइपर है, बहुत अच्छे स्नाइपर। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट सीन में मेकर्स ने हमें ये जस्टिफिकेशन दे दिया। अब वो कैसे दिया मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, विल स्मिथ कम तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर बैठे, उससे भी ज्यादा दूरी पर बैठे हुए, और एक रेलवे ट्रैक है जहां से ट्रेन गुजरने वाली है। और ये कोई नॉर्मल इंडियन ट्रेन नहीं है जो 150 या 200 स्पीड पे चलेगी। ये तकरीबन बुलेट ट्रेन है जो 600 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तेजी पे चलती है। तो उस ट्रेन में बैठा हुआ एक बंदा है जिसको विल स्मिथ को मारना है, हेनरी को मारना है। तो हेनरी उसको बड़े ही आसानी से मार देता है। तो यहाँ पर मेकर्स ने बता दिया कि ये कोई नॉर्मल स्नाइपर नहीं, ये अलग तरीके का स्नाइपर है। तो इस फिल्म में भी ये बताया कि जिस एजेंसी के लिए काम करते हैं हेनरी, ये बहुत ही जबरदस्त सोल्जर रह चुके हैं। इन्होंने बहुत लोगों को मारा, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये कि जितने लोगों को इन्होंने मारा है, जब भी ये किसको मारते तो ये अंदर से खुद दुखी होते हैं, और ये अब इस काम से बोर हो चुके हैं और किसी भी तरीके से ये इस काम से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं की एजेंसी में काम करने वाला एक कैरेक्टर जिसका नाम है क्ले, जो कि यहाँ पे रोल प्ले किया क्लिफ ओवेन ने, क्योंकि इन्होंने हेनरी के डीएनए से एक क्लोन बनाया जिसका नाम है जूनियर। तो किसी तरीके से जूनियर को हेनरी को मारने के लिए भेजते, तो क्या जूनियर हेनरी को मार पाएगा? बेसिकली यही कहानी है। तो कहानी में कुछ नयापन तो मुझे पर्सनली फील नहीं हुआ, लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लगी, वो थी विल स्मिथ का जो यंगर वर्जन, यानी कि जो सीजीआई वाला वर्क है। कहीं पे भी आप लोग को ऐसा लगेगा नहीं कि ये विल स्मिथ का मतलब सीजीआई में वर्क है, ऐसा लगेगा कि रियल में आप यंगर वर्जन देख रहे हो विल स्मिथ का। तकरीबन कुछ 20-22 साल के जब विल स्मिथ होंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से दिखते होंगे, और कहीं भी आपको फेक सीजीआई नहीं महसूस होता। और जितने भी सीन्स एक्शन सीन्स है बेसिकली दोनों विल स्मिथ के बीच में ही है। और ये फिल्म में कुछ बड़ा कोई मेजर विलन है नहीं। क्ले ओवेन इसमें यहाँ पे विलन का रोल प्ले कर रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ उनका विलन वाला काम ही नहीं, उनका सिर्फ साइड रोल वाला ही काम है। बेसिकली विलन विल स्मिथ और विल स्मिथ दोनों ही आपस में एक दूसरे के विलन बताया गया, और कुछ इसमें है नहीं। एक्शन सीन्स की बात करो तो एक्शन सीन ऐसे खास है नहीं जो हॉलीवुड फिल्मों में हमने नहीं देखे होंगे। हॉलीवुड फिल्मों में आज की तारीख में इससे भी जबरदस्त जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। यहाँ के एक्शन सीन आपको पबजी के गेम्स की याद दिलाएगी, या जीटीए वाइस सिटी गेम की याद दिलाएगी, या तो फिर कोई स्नाइपर्स का जो नॉर्मल गेम होता है उसकी याद दिलाएगी। तो एक्शन में मुझे पर्सनली कुछ खास नहीं लगा। हाँ, विल स्मिथ का फैन होने के नाते ये फिल्म सिर्फ विल स्मिथ के लिए मैंने देखा था, और पर्सनली विल स्मिथ को पर्दे पर देखने का जो मजा है वो अलग ही बात है। और विल स्मिथ ऐसे एक्टर है जिनकी फिल्में भी ऑफ एंड आती नहीं, मतलब हमेशा हर 2-3 महीने पे नहीं आती है। इनकी फिल्में भी 2 साल में 1 साल में 1 बार आती है, और ये बहुत ही लेजेंडरी एक्टर है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। और ये ऐसे एक्टर्स है जिनकी फिल्में आज भी मास्टरपीस है, और ये फिल्म उनकी करियर की वन ऑफ दी वर्स्ट मूवी मैं तो कहूंगा पर्सनली। तो अगर फिर भी आप लोग ये मूवी जाके देखनी तो आप लोग जाके देख सकते हो। ये हिंदी, तमिल, तेलुगु सब में अवेलेबल, इंग्लिश में भी है। वीडियो में इतना, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल किसी ने बड़े दिल्ली।